हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि घर में आपकी जब कभी कोई सब्ज़ी ना हो तो आप अचानक से ये बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं 1 पिंच हींग डालूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें 4-5 गार्लिक चॉप करके डाले हैं, बारीक चॉप करके। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, क्यूमिन सीड्स। इसको थोड़ा सा सौते होने के बाद 1 स्मॉल चॉप ऑनियन मैंने इसमें, प्याज मैंने इसमें ऐड किया है। इसको हम सौते करेंगे। एक ग्रीन चिली मैंने इसमें चॉप करके इसके अंदर ऐड करी है। अब इसमें 1 टमाटर मैंने छोटा चॉप करके ऐड किया है और इसको हल्का सा सौते करना है। इसको गलाने के लिए मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करूँगी। अभी सौते हो गया है। अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाला है। और अब मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो मैंने फ्रेश मलाई, घर की जो मलाई होती है फ्रेश मलाई, मैं उसकी सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और खाने में बहुत टेस्टी होती है। ये मैंने फ्रेश मलाई ली है, 1 कटोरी फ्रेश मलाई मैंने इसमें ऐड करी है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। कभी कोई नहीं हो तो आप इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे तो आपका मलाई पनीर रेडी हो जाता है, पर मैं इसे सिंपल बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए इसको लगभग ढक देंगे, 5 मिनट के लिए, कि ये इसके अंदर मिक्स हो जाएं सारे मसाले। 5 मिनट ये मेरे को हो गए हैं। इसके लिए मैं इसका लेड हटाकर इसको स्टर करूँगी और फिर मैं इसमें 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। आप इसमें इसके साथ साथ पनीर के पीसेस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, और थोड़ा सा चॉप करेंडर। अब मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्रेश करेंडर मैंने इसमें डाला है। अब मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी है, इसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। थोड़ा सा मैंने फ्रेश कोरिएंडर से इसको गार्निश किया है और फ्रेश क्रीम में से इसको मैं अच्छी तरह से गार्निश कर दूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये सब्ज़ी बनाकर खाइए, कभी जब आपके यहाँ गेस्ट आ जाएँ तो ये सब्ज़ी उनको बनाकर खिलाइए। अचानक में जब कोई सब्ज़ी ना हो तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। थैंक फॉर वॉचिंग।